फिल्म जीरो के बाद अभिनेता शाहरुख खान सारे जहां से अच्छा में राकेश शर्मा की भूमिका निभाने वाले थे, लेकिन जीरो फ्लॉप होते ही शाहरुख ने राकेश शर्मा की इस बायोपिक से खुद को अलग कर दिया। शाहरुख शायद अब अपनी फिल्मों के मामले में किसी भी तरह का कोई नया प्रयोग नहीं करना चाहते, जिसमें चांस लेना पड़े ऐसा कोई काम तो बिल्कुल भी नहीं। शाहरुख के चाहने वाले अब उनकी अगली फिल्म की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। खबर थी कि शाहरुख ने फरहान अख्तर की सुपरहिट फ्रेंचाइजी डॉन से भी दूरी बना ली है, उसकी जगह रणवीर सिंह को लेने की खबर भी सुर्खियों में रही। लेकिन बाद में इन खबरों पर फरहान और उनकी बहन जोया अख्तर ने सफाई देते हुए कहा कि ये खबरें बकवास हैं। अब खबर आ रही है शाहरुख खान नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर मधुर भंडारकर की अगली फिल्म गालिब साइन कर ली है। हालांकि अब तक इस पर कोई भी आधिकारिक मुहर नहीं लगी है, ना तो शाहरुख की ओर से कोई बयान सामने आया है, ना ही मधुर भंडारकर ने ही शाहरुख को लेकर फिल्म बनाने की बात पर कोई बयान दिया है। मुंबई में आयोजित एक इवेंट में पहुंचे मधुर भंडारकर ने यह जरूर बताया कि इन दिनों वह फिल्म गालिब के काम में बिजी है। इसी बीच जब शाहरुख निर्देशक एटली के साथ नजर आए तो यह भी अनुमान लगाया गया कि वह मार्शल की हिंदी रीमेक में भी नजर आ सकते हैं। फिलहाल शाहरुख अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर किसी तरह का भी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक महीने बाद वह अपने फैंस को जबरदस्त तोहफा देने की तैयारी में जरूर है। शाहरुख खान इस समय चीन के बीजिंग में है और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपनी नई फिल्म के बारे में कुछ बड़ा खुलासा किया है। शाहरुख का कहना है कि उन्होंने अब तक अपनी अगली फिल्म को लेकर कुछ भी फैसला नहीं लिया है। शाहरुख ने बताया कि वह अपनी नई फिल्म से जुड़ा फैसला जून में करने वाले हैं। इस समय वह फिल्म की कहानियां सुन रहे हैं। जून तक किंग खान तमाम कहानियां सुनेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि किस कहानी का हिस्सा बनना है। डॉन फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म को लेकर निर्माताओं ने हाल ही में खुलासा किया कि इस समय इसके स्क्रिप्ट पर काम चल रहे हैं और इस फिल्म को वह बड़े लेवल पर बनाना चाहते हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि शाहरुख खान इस फिल्म से जुड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट करके हमें जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।